और गुड्डू भाई कब आ गए फिर छुट्टी से? भैया छुट्टी पे से ही आ गए। अबे साले जब माफ करना, मैं छुट्टी पे से ही आ गए, मतलब छुट्टी आर्मी में छुट्टी मिलती नहीं। अच्छा छुट्टी कम मिलती है ना वैसे? कम मिलती है, दो चार दिन की छुट्टी मिलती है। छुट्टी दी अपने को कम से कम 27 तारीख तक की। अच्छा 26 तारीख जनवरी भी की, 6 जनवरी की छुट्टी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गए थे तो आपका कैसा क्या मतलब हो रहा ट्रेनिंग पे? बहुत कुछ का क्या नहीं रहा आपको मैं बताऊं? बहुत मारते हैं, मैंने ऐसा सुना ट्रेनिंग। ऐसा मारते नहीं है, ऐसा क्या दौड़ करना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी बताना है अपने जिससे एक्सरसाइज में जैसा दौड़ना है, जो सब जवान जैसा दौड़ता है, जो अपनी एक्सरसाइज। मैं एक बार आपकी परेड देखना चाहूँगा, वहाँ पे जो परेड करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं वो? नहीं आप दिखा दो ना हमको एक बार, जरा करके दिखा दो ना। देखो रस्सी से कूद कूद जाते हैं। यस वहाँ पे ट्रेनिंग में आप परेड कैसे करते हो, सल्यूट कैसे देते हो? जरा एक बार ऐसे जोर से, ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे सांप खड़े हैं तुम्हारे सामने। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत जोर जोर से सलूट देते हैं, मैंने ऐसा सुनो। देश की सुरक्षा के लिए मैं तैयार हूँ, के साथ में जान भी देनी पड़ेगी मैं दूंगा। वाह यार गुड्डू भाई मानना पड़ेगा, ऐसी ट्रेनिंग होती वहाँ पे आर्मी में। आओ बैठो यार, बैठ के बात करते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कमी ऐसी होती है कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिल रही आर्मी में। कुछ खाने पीने के मैंने बिस्कुट खाते हैं। अबे साले आपको ज्यादा पसंद है? नहीं मैंने ऐसा सुना हूँ कि ट्रेनिंग में खाने की कोई कमी नहीं रहती बोले। नहीं वो खाने में कुछ कमी नहीं, 4 बिस्कुट मिलते हैं आर्मी से मिलते हैं। अच्छा अच्छा 4 बिस्कुट ही बहुत काफी रहते हैं। अच्छा अच्छा तो ट्रेनिंग ये रखी है कि ऐसे मतलब एक बिस्कुट पे तुम पूरा दिन गुजार सकते हो? अबे साले एक बिस्कुट के पूरे पे पूरा दिन गुजार सकते हो? पूरा आर्मी में ऐसे थोड़ी रहते हैं हम यार, जब भी तो जवान है यार। सही बात, आज भी अभी बोलो तो ऐसा उछल कूद के और ऐसा सिलूट मार सकते, दर दर तोड़ सकते किसी को भी। दुश्मन जमाने में से आ नहीं सकता, हिंदुस्तान बॉर्डर के अंदर में आ नहीं सकता, राजस्थान के अंदर में बॉर्डर है। हाँ तो गुड्डू भाई कैसे क्या आपकी ट्रेनिंग और चल रही है आजकल? भैया अपनी ट्रेनिंग तो एक नंबर चल रही है, बाकायदा अपन बाकायदा ड्यूटी में बाकायदा रहते, बाकायदा खाना पीना सब सरकारी खाना मिलता और अच्छे से अपने को सरकारी नौकरी बाकायदा बाबूजी सर जी जहाँ भी जाते होंगे मान सम्मान पूरा मिलता भाई। अबे साले कोई दिक्कत नहीं अपने को, किसी खाने पीने से कोई तकलीफ नहीं है अपने को, बाकायदा जाना जाता है कि मतलब सरकार की सारी सुविधा आपको मिल रही है वहाँ पे पूरी मिलती है। ठीक है उस देश के लिए मैं साले कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी और मेरे देश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मार सकता हूँ और काट डालू मार डालू, और अपने देश के लिए बॉर्डर में जब मैं जाऊंगा ना इसी जवान रहेगा और शान से खड़ा रहेगा, जवान इसे ही खड़ा रहेगा, हिंदुस्तान मेरा है और आज भी ऐसे रहेगा। ठीक है हिंदुस्तान मेरा है। आज रामनवमी में 22 तारीख को निकालूंगा। यहाँ किस लिए आए? आज 21 तारीख है कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया, रामायण 9 लाख वर्ष पहले।